हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर NHM के द्वारा स्टाफ नर्स, ANM, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाने के लिए पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकुमा छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर विज्ञापन जारी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 16,500 रुपये प्रति माह सैलरी रखी गई है। यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट निकाली गई हैं। BSc और GNM वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल ID दी गई है, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट PDF बनाकर इस ईमेल ID पर सेंड कर देना है। सेकंड नंबर पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसी निकली हैं। 14,000 पर मंथ आप लोगों की सैलरी रहेगी। BMLT, DMLT कोर्स वाले यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। थर्ड नंबर पर यहाँ पर बात करेंगे MPW पुरुष के लिए, यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। 12,000 प्रति माह आप लोगों की सैलरी रहेगी। जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर इंटर बायोलॉजी से किया है प्लस MPW ट्रेनिंग कोर्स किया है, वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग ईमेल ID देख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इस ईमेल ID पर सेंड करने हैं। फोर्थ नंबर पर ANM के लिए टोटल 20 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। 12,000 प्रतिमाह यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ANM कोर्स वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो यहाँ पर 12,000 प्रतिमाह सैलरी दी गई है। टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट रखी गई हैं। ग्रेजुएट प्लस PGDCA 1 ईयर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। सिक्स्थ नंबर पर बात करेंगे सुरक्षाकर्मी, 8,800 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर सैलरी। टोटल यहाँ पर 7 पोस्ट रखी गई हैं। 8वीं पास कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। धोबी के लिए यहाँ पर 8,800 रुपये प्रति माह सैलरी रखी गई, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट रखी गई हैं। 8वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर ईमेल ID आप लोग देख सकते हैं। प्लम्बर के लिए यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट निकाली गई हैं। 8,800 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। 10th पास एवं संबंधित विषय में ITI वाले कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहां पर ईमेल ID दी गई है, आप लोगों को इसी ईमेल ID पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। अब यहां पर बात करेंगे वाहन चालक। वाहन चालक की यहां पर टोटल 2 पोस्ट निकाली गई हैं। 8वीं पास तथा भारी वाहन चालक का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर 12,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ईमेल ID देख सकते हैं। 10th नंबर पर बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन की, तो यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट रखी गई हैं। 10वीं पास प्लस संबंधित विषय में ITI वाले छात्र अप्लाई करें। 8,800 रुपये प्रतिमाह सैलरी रखी गई है और यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। स्वीपर के लिए यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट रखी गई हैं। 8,800 रुपये प्रति माह यहाँ पर सैलरी, 8वीं पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ईमेल ID देख सकते हैं। लास्ट यहाँ पर टेलीफोन ऑपरेटर की टोटल 5 पोस्ट रखी गई हैं। 12वीं पास प्लस यहाँ पर DCA वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करें। 8,800 रुपये सैलरी है और फ्रेंड्स, यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। अब यहाँ पर बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी अस्थाई होंगी, यानी यहाँ पर आप लोगों को
नियुक्ति 3 माह के लिए की जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 62 वर्ष यहाँ पर एज होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे चयन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के 70 अंक, कौशल परीक्षा के 20 अंक और अनुभव के प्रतिवर्ष 2 अंक की दर से अधिकतम 10 अंक तक यहाँ पर आप लोगों का चयन होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं क्रम 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 90% अंक, अनुभव प्रतिवर्ष 2 अंक की दर से अधिकतम 10 अंक तक यहाँ पर आप लोगों का चयन होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करेंगे लास्ट डेट की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 मई 2021 5 बजे तक आप लोग मेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को नीचे दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट को PDF बनाकर ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।